प्रभु, आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब तू तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वो देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना।